और मारा ऐसा भाभी आप आ जाओ बैठ। भाभी वो माँ की आज रिपोर्ट आने वाली थी, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक से, तू घबरा मत, उनकी रिपोर्ट सब घनी बड़ी आई जी। अच्छा मैंने यो बता, तूने और प्रज्ञा ने क्या किया? माँ के साथ भाभी माँ के हाथ का लाजवाब खाना खाया और क्या। अरे वो पकोड़े वाली कड़ी वो तो तने बहुत पसंद है ना, वो खाई के ना ये बात है, पकोड़े वाली कड़ी के नाम पे इतना हतरा है तू। अरे भाभी मैंने तो माँ के हाथ का खाना इतना पसंद है और ऊपर से कड़ी, मैंने तो दबा के माँ के हाथ की कड़ी खाई और पता है कि प्रज्ञा जी को वो कड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मने घड़ा कॉम्पिटिशन दे दिया। चलो अच्छा हुआ। अरे प्रज्ञा जी की बात की यार, देखो वो मने इलायची वाली चाय बनाई थी तो सोचा आपने दे। यो तो घनी बढ़िया बात है। अब बरदान प्रज्ञा जी आप दोनों चाय पियो, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं भाभी मारे को घना काम से, आप लोग बैठो। ये बात है, तुम दोनों की पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है और एक दूसरे का ख्याल भी तो रखो इतना। देख तेरे लिए इलायची वाली चाय ले आई, वो ये तेरा भी पसंदीदा रंग हरा सा है और प्रज्ञा का भी है ना? नहीं भाभी प्रज्ञा जी का पसंदीदा रंग लाल है, हरा ना। अच्छा देखो एक दूसरे को कितना जानते भी हो तुम दोनों। अरे तो मुझसे क्यों छुपान लाग रहा है छोरे? क्या मैं तेरे दिल की बात ना अच्छी तरह समझूं? तू तो भी प्यार करे ना प्रज्ञा से, तने अच्छी लागे हो भाभी? ओके कर रहे हो? अरे अगर प्रज्ञा तने अच्छी लागे है और तो इब भी उससे प्रेम करे है तो इसमें गलत के है बरदान? हरा तलाक ना हुआ अब तक, हरी पत्नी है वो, हरी बात मान तो अपनी भावनाओं को इस तरह दबाने की कोई जरूरत ना है। एक लाल गुलाब ले और अपने दिल की बात उसने बोल दे। अभी देखो सीधी सी बात है, प्रज्ञा जी और अपनी जी एक साथ में, ये बात मैंने बहुत पहले स्वीकार कर ली और आप भी जितनी जल्दी ये बात स्वीकार कर लो उतना आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। ठीक से अच्छा सुन जरा हमारे साथ तो चल। कहाँ जाना बापी? मैंने घड़ा काम है बाजार में, चलना। अरे बापी बापी मैंने काम है। जल्दी आ जावेंगे, बोल रही हूँ ना मैं हमारे साथ ना चल सकता के, चल अभी रखे आयो सब। आता इतनी जल्दी तो मैं हार ना मानने वाली मर्दाना।